हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो जेनेटिक्स टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कलर ब्लाइंडनेस टीसी से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड। तो जैसे ही आप ये शब्द ये वर्ड देखते हैं कलर ब्लाइंड, वैसे ही आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कलर ब्लाइंडनेस के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाए। तो कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिसीज है, और जो इसका जीन होता है उसको हम एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से दिखाते हैं, और ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक डिसीज तो है ही, साथ में जो इसका जीन होता है वो रिसेसिव जीन होता है। रिसेसिव जीन का मतलब होता है कि ये डिसीज तभी अपना इफेक्ट दिखा पाएगी जब इसका जीन दोनों एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद हो, यानी XCXC। जब इस सिचुएशन में कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा तभी कलर ब्लाइंडनेस डिसीज दिखेगी। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए मेल में एक एक्स में भी अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, यानी XCY अगर इस स्टेट में है मेल तो वो कलर ब्लाइंड ही माना जाएगा, वो कलर ब्लाइंड ही माना जाएगा। लेकिन फीमेल के लिए दो स्थितियां संभव हैं, XCXC और XCX। ये जो दूसरी सिचुएशन है इसमें फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं होगी बल्कि कैरियर कहलाएगी, कैरियर कहलाएगी। मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो किस तरीके से मेल और फीमेल में असर करता है। अब दूसरी बात जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये पता हो कि सन में और डॉटर में जो क्रोमोसोम आता है एक्स या वाई क्रोमोसोम वो किस तरीके से आता है। तो अगर हम डॉटर की बात करें, आपको पता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें फादर का रोल होता है, तो फादर को हम सेंटर मान लें, आपको पता है फादर यानी XY जीन होगा, तो फादर से हमेशा डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम आएगा, यानी कि डॉटर का जो एक एक्स क्रोमोसोम होगा वो फादर से होगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो मदर साइड से आएगा। वहीं अगर हम सन की बात करें तो सन में हमेशा ही फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा, हमेशा ही वाई क्रोमोसोम आएगा और
दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर साइड से आएगा। अब ये दो बातें अगर आपको पता होंगी तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार फिर से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे ताकि इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व कर सकें। मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर। तो फादर जो है, मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, यहाँ पे जो मैन है यानी कि उसका क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स वाई होगा। फादर वॉज कलर ब्लाइंड, अगर मैन के फादर कलर ब्लाइंड होंगे तो इसका मतलब है कि मैन के फादर में कैसा जीन होगा, मैन के फादर में जीन होगा एक्स सी वाई। अब दूसरी बात क्या है कि मैन को जो क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा फादर साइड से, वो एक्स सी वाला क्रोमोसोम नहीं होगा, वाई वाला क्रोमोसोम होगा, यानी कि ये जीन ट्रांसफर होगा, सॉरी ये क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, और वाई क्रोमोसोम में तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता नहीं है। इसका मतलब है कि मैन जो है वो क्या है, नॉर्मल है। अब दूसरी बात, किस वुमेन से मैरी कर रहा है मैन, हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। अब अगर वुमेन की बात करें यहाँ पे, जिसे कि मैन मैरी कर रहा है, उनके फादर और मदर दोनों के बारे में ही यहाँ पे बताया है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि वुमेन असली में क्या होगी। वुमेन की जो मदर है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब है कि मदर में एक्सी ये जीन्स मौजूद होंगे, तभी वो कलर ब्लाइंड मानी जाएंगी इस जानकारी के हिसाब से। और अगर हम फादर की बात करें तो वुमेन के जो फादर हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल फादर हैं। इसका मतलब है कि एक्स वाई। और वुमेन को फादर से एक जो वुमेन का क्रोमोसोम होगा वो फादर साइड से आएगा यानी एक्स, और एक क्रोमोसोम जो है वो मदर साइड से आएगा यानी एक्ससी। यानी कि जो वुमेन है गिवन क्वेश्चन में, जिससे कि ये मैन मैरी कर रहा है, वो जो वुमेन होगी वो वुमेन क्या होगी, कैरियर होगी। यहाँ तक की लैंग्वेज हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आगे व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, तो इसमें पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। अब अगर हमें मेल चिल्ड्रन में से कितने कलर ब्लाइंड हैं ये पता करना है, तो हमें फीमेल चिल्ड्रन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे हमारा टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, तो हमें सिर्फ मेल चिल्ड्रन से मतलब है, यानी कि हम ये देखेंगे कि ये मैन और वुमेन से जो मेल चिल्ड्रन बन रहे हैं वो किस तरीके के हैं। तो आपको पता है कि मेल चिल्ड्रन है यानी कि वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से मिलेगा और एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलेंगे, तो या तो एक्स एक्स मिल सकता है या तो एक्स सी मिल सकता है, यानी कि दो क्रोमोसोम्स जो हैं मदर साइड से इनको मिल सकते हैं। तो एक हो जाएगा आपका एक्स वाई और एक हो जाएगा एक्स सी वाई, यानी नॉर्मल और कलर ब्लाइंड। नॉर्मल और कलर ब्लाइंड यानी कि जो परसेंटेज आ गया वो कितना हो गया, एक चिल्ड्रन, एक मेल जो है, दो मेल में से एक मेल जो है वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, यानी कि 50% इसका उत्तर